भारत सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों के लिए कोरोना का टीका मुफ्त में लगवा रही है। यह टीका सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाया जा रहा है। इस संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों में तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आम जनता में वह जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है। लोग वैक्सीनेशन कराने से पीछे हट रहे हैं, जो लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। आज इसी बात को लेकर जिलाधिकारी अरुण कुमार एवं मुख्य विकास अधिकारी अंकुल लाठर तथा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष दुबे जामो ब्लॉक सभागार पहुंचे, जहां पर जामो ब्लॉक अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों को बुलवाया गया। वहां पर सभी ग्राम प्रधानों को सर्वप्रथम टीकाकरण के संबंध में फैल रही भ्रांतियों के संदर्भ में जागरूक किया गया और नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों को स्वयं टीका लगवाने के लिए कहा गया। इसके बाद प्रशासन द्वारा ग्राम प्रधानों को इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि वह अपने ग्राम सभा में घर घर पहुंचकर लोगों को जागरूक करें, उनके बीच में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करें, किसी भी प्रकार से लोग डरने ना पाएं, लोगों के अंदर इस कदर जागरूकता पैदा करें कि वह दूसरे लोगों को भी जागरूक कर सकें, जिससे कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य पूरी तरह से कंप्लीट किया जा सके। जिले के जितने भी 18 वर्ष से उम्र के अधिक व्यक्ति हैं, सभी का टीकाकरण किया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि इसी तरह जिले के सभी 13 ब्लॉकों में बारी बारी से ग्राम प्रधानों को बुलाकर उनके साथ बैठक कर टीकाकरण के संबंध में आवश्यक जानकारियां, बचाव एवं भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी, ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी कर्मचारी, सभी के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अमेठी से रणवीर सिंह की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। करना पड़ रहा है ऐसे नहीं लोगों को, किस तरीके हमारी जो निर्वाचन समितियाँ हैं, उनसे बातें